थिएटर जो कि एक छोटे पर्दे की बात होती है लेकिन कला के मामले में कोई सानी नहीं, आप बड़े पर्दे पर भी नजर आए हैं, दो फिल्मों में आपने काम किया, हाल ही में संजू में नजर आए हैं, गाड़ी बेच रहे थे, कैसे आपको ये ऑफर मिला और किस तरह का एक्सपीरियंस रहा आपका? तो ये ऑफर आपने बोला दो फिल्में, तो सिमरन 2016 में शूट की और 2017 में संजू की, दोनों के कास्टिंग डायरेक्टर थे मुकेश छाबरा जी, जो एक बड़ा नाम हो गए कास्टिंग डायरेक्टर। तो फिर बात शुरू होती कि 2016 वाली सिमरन जो कंगना रनौत की थी वो कैसे मिली, तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, ये सोशल मीडिया के थ्रू मिली। आजकल मुझे इतना आश्चर्य हुआ कि मेरे जैसे आदमी जिसका कोई बॉलीवुड में कोई कनेक्शन नहीं है उसको भी रोल मिल सकता है। और मुकेश जी को दाद देना चाहूंगा कि उन्होंने सोशल मीडिया पे लिखा कि मुझे 40 से 50 साल के इंडियन आदमी की जरूरत है, अमेरिका में फिल्म शूट हो रही है, बस इतना है। ओके। मैं तो उस समय जानता भी नहीं था उनको कि वो कौन है, लेकिन काफी एक्टर्स हैं जो स्ट्रगलिंग एक्टर्स हैं या जो उनको फॉलो करते हैं, कई सारे कास्टिंग डायरेक्टर को फॉलो करते हैं। तो किसी ने, मेरे एक फैन है बॉम्बे में रहते हैं जो फॉलो करते हैं, उन्होंने देखा, बोले हाउ अबाउट राजीव नेमा, क्योंकि उनको पता है कि राजीव नेमा अमेरिका में रहता है, तो बस वो हो गया। तो वो पिंग आया मुझे, तो मैंने कहा यार ये कौन है, कोई ऐसी चलती चालू मूवी होगी ना, क्योंकि आजकल तो कोई भी कैमकॉर्डर और फोन लेके मूवी बना देते हैं। तो मैंने रिस्पॉन्ड किया कि हाँ ये मेरा बायोडाटा तैयार रहता है मेरा, तो बस मैंने, तो मुझे लगा सेंड भी मैं करना भूल गया और 30 सेकंड में फोन बजा मेरा कि मैं मुकेश छाबरा बोल रहा हूँ, अभी आपने रिस्पॉन्ड किया, ये फिल्म है कंगना रनौत धनसल में, तो ये सब नाम बोले जा रहे हैं, मतलब मेरा विश्वास नहीं हो रहा था कि ये, तो मैं वो जब बोल रहे थे तो मैं ऐसे गूगल कर रहा था कि सही में अटलांटा कंगना रनौत, तो बोल रहा कि हाँ वो आई, तो मतलब सब चीज, और चार घंटे बाद मुझे रोल मिल गया। ओके। तो वो वहां मिला, फिर बस उसके बाद जब उनसे पहचान हो गई तो संजू के लिए जब छोटा सा रोल चाहिए था तो उनने बोला छोटा सा रोल है बस कर लोगे, जैसे जैसे वो मेरे से यू नो रिक्वेस्ट कर रहे थे कि आप रोल करोगे क्या, कैन यू बिलीव इट, रणबीर कपूर, राजकुमार हिरानी, थ्री इडियट्स, ये सब नाम उनके, और वो बोल रहे रिक्वेस्ट कर रहे यार कर लो प्लीज। हाँ ऑफकोर्स। राजकुमार हिरानी से भी आपकी मुलाकात हुई है, ये कैसे हुई? तो जब रोल मिला तो उन्होंने बोला कि सुबह 10 बजे आप आ जाइए होटल में जहाँ पे ये सब ठहरे हुए थे, वहाँ मेकअप और कॉस्ट्यूम के लिए सब पूरा कॉस्ट्यूम हो गया, और 11:30 बजे हम नीचे उतरे लिफ्ट से, पांचवी मंजिल पे मेकअप हो रहा था, तो और अंदर में वो चल रहा है कि है ना अभी राजकुमार हिरानी जी मिलेंगे, तो उनको मैं क्या बोलूँगा, मेरी ओपनिंग लाइन क्या रहेगी, थ्री इडियट्स सर आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, सर आपने क्या कमाल के लिखते हैं और अलग लिखते, मैं ऐसे सब चल रहा था कि मैं क्या बोलूँगा। तो मैं लिफ्ट से उतरा, लिफ्ट के फाटक खुले और मैं ऐसे मेरी नजर ऐसे दौड़ने गए तो राजकुमार है नहीं, और तो वहां से राजकुमार है नहीं ऐसे कर रहे हैं, तो मैंने सोचा पीछे कोई आया होगा, तो मैंने पूछा मुझसे, तो बोले हाँ हाँ, तो बस जैसे वो लॉबी रहती ना किसी भी होटल की कि वो ऐसे कर रहे हैं, मैं और मैं चलते जा रहा हूँ नर्वस, और बोलो अरे कितना बढ़िया करते हैं आप, और आपकी मैंने सब वीडियोस देखी और नाटक भी इतना अमेरिका में रह के इतना अच्छा करते हैं, आपको इंडिया आने की क्या जरूरत है? बोला आपने मेरी इंदौरी वीडियोस देखी है? बोले हाँ, रोल कैसे मिला? वो जो तुमने वो रिकॉर्डिंग की थी और फिर मुकेश छाबरा ने आपकी 4-5 वीडियोस की लिंक भेजी, मैंने सब देखी, बिल्कुल यही किरदार चाहिए था मुझे, तो जो लड्डू फूटे हैं उस समय प्रीति कहाँ तक गए। मतलब ये तो शूटिंग के पहले ना मैं मिला हूं। मैंने कहा अब कुछ नहीं है टेंशन, क्योंकि तब वो भी चला था मैं ये डायलॉग कैसे बोलूंगा कहाँ बोलूंगा, वो जब डायरेक्टर अपना फैन भैया अपन ने कहा इसकी कोई डर नहीं अपना वो। तो ऐसे हुई।